फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो उसमें मैं बताऊंगी कि घर पर हलवाई जैसा गाढ़ा दही कैसे जमाया जाता है, क्योंकि कई बार कंप्लेंट रहती है दही अच्छे से नहीं जमता है या पानी छोड़ देता है। तो आज ये सारे डाउट आपके इस रेसिपी में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे जमाते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखें आप। सबसे पहले मैं दूध को उबाल लेती हूँ। दूध को उबालना बहुत ज़रूरी है। ये फुल क्रीम मिल्क लेना है हमको। जब भी हम दही जमाते हैं एकदम गाढ़ा वाला दूध चाहिए। तो ये दूध गर्म हो गया है, अब मैं इसको ठंडा करूँगी, पर पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, इसको गुनगुना रखना है दूध को। जब हम इसमें उंगली डालेंगे तो हमारी उंगली सहन कर जाए, इतना हमें गुनगुना रखना है। ये मैंने दही लिया है जामुन लगाने के लिए। तो देखिए, खाने वाली चम्मच है, मैंने वो भरकर एक चम्मच दही लिया है और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। तो ये बहुत बड़ा एक वो रहता है दही जमाने के लिए। अगर आप इसको ऐसे ही डाल देंगे तो कर्डल्ड हो जाता है दही, कहीं पर मतलब गुठले गुठले आ जाते हैं दही में, स्मूथ नहीं जमता। तो अगर स्मूथ जमाना है तो आप इसको थोड़ा सा फेंट लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। इसके बाद में मैं इसमें आधा लीटर करीब दूध डालूंगी। तो आधा लीटर अगर आपने दूध लिया है तो उसमें हम एक चम्मच, जो खाने वाला चम्मच है, भरकर जामुन डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से चला देंगे और ढककर इसको हम 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, मैं ढककर इसको 7 से 8 घंटे के लिए रख देती हूँ। क्योंकि मौसम अभी बारिश का है तो टाइम लगता है जमने में, गर्मियों के मौसम में जल्दी जम जाता है। तो देखिए, मैंने 8 घंटे बाद दही को खोला है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा दही जमा है। मतलब आप इसको काट रहे हैं तो एकदम से इजीली कट रहा है, ये आइसक्रीम की तरह। तो ये एकदम परफेक्ट दही जमा है। तो इस तरह से आपको दही जमाना है। अभी ये मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, फ्रिज में रखेंगे तो ये और थिक हो जाएगा। एक एक लेयर जैसे हम बाजार से लेते हैं ना, वैसी लेयर इसकी निकलेगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नई रेसिपी में, अपने एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।